जाओ भैया, नाम क्या आपका? आयुष कौशिक जी हैं, नमस्कार करो जरा। अब बताओ मुझे एक बात, अभी बुलाएंगे। आयुष जी से नहीं पूछ रहा मैं, आपसे पूछ रहा हूं। आयुष जी जरा इधर देखिए। अब मान लो अगर हमें आयुष जी की जेब काटनी हो, मान लो हमने सोचा कि भैया आयुष जी की जेब काटो, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? हाँ, सबसे पहले भैया आयुष जी उधर देखो जरा। हाँ वो देखो भैया, ये देखो, इधर देखो जरा भैया, वो ऊपर देखो, फ्लाईओवर की ओर देखो जरा। ये पहले ये करना पड़ेगा, पहले इसका ध्यान भटकाना पड़ेगा। सही, ये काम आपके लिए नरेंद्र मोदी जी करते हैं। भाई और बहनों, वो उधर देखो, भाई और बहनों इधर देखो, भाई और बहनों ऊपर देखो, भाई और बहनों नीचे देखो। अब उसके बाद क्या चाहिए आपको? उसके बाद कौशिक जी जरा घूमिए जरा। उसके बाद जब उसका ध्यान चला जाएगा, पीछे से कोई आएगा, है ना, किसी को आना पड़ेगा। वो कौन है भैया? वो अदानी है, वो अंबानी है, ठीक है। अब मान लो ध्यान भटका दिया और पीछे से जेब काट दी, तो तीसरी किस चीज की जरूरत है? हाँ भैया, मुझे ये डंडा लाठी देना जरा, ये झंडा उतारो इससे, नहीं इससे काम चलेगा, छोटा नहीं चाहिए बड़ा चाहिए ये। और ये तो पहला जो ध्यान भटकाता है नरेंद्र मोदी जी, दूसरा जो जेब काटा है काटता है अदानी जी, और तीसरा जो डंडा लिए घूमता है अमित शाह। भैया तुम लोगों ने कुछ किया? जब ईडी आई, सीबीआई आए, इनकम टैक्स आई, पुलिस वाले आए, तो कुछ किया? तो फिर देखो कैसा डंडा लगता है। आयुष जी धन्यवाद आपका, अभी करते फोटो ले लो, आ जाओ। ये भैया सेल्फी का जमाना, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, यहां बैठ जाओ। धन्यवाद। तो ये हुआ बीजेपी का सिस्टम।